Jignesh, welcome, and thank you very much for talking to Newsclick on this eve of another historic march. Hopefully, it will be another historic march. All the best to you for that. Thank you so much. I want to start with rewinding a bit. Gaay ki poonch tum rakho aur zameen hame do. What a slogan. But not much has been achieved, one would argue, in terms of the real impact of that slogan. And in terms of, actually getting land from the state. What is the new slogan for this phase, UNA 2.0 movement? पहले आपकी इस बात को मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड करूं कि उसके दो तीन पहलू. एक तो लंबे अरसे से दलित आंदोलन और दलित राजनीति में मटेरियल इश्यूज की बात नहीं हो रही है, और आप उस वक्त पे लैंड रिफॉर्म्स की बात दोबारा रीजनरेट, रिक्रिएट, रिसरफेस कर रहे हैं जब लैंड टू द टिलर ऑलरेडी लैंड टू द टाइकून्स बन चुका है. तो बहुत ही मुश्किल वक्त पे लैंड रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे हैं, और इतना पेचीदा, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना मुश्किल सवाल है ज़मीन का कि वहाँ सीधा तलवार ही निकालते फ्यूडल फोर्सेस. तो इन सारी परिस्थिति के चलते बहुत ऑब्वियस है कि उतनी सफलता नहीं मिली. लेकिन हम लोगों का जो संगठन है, हम लोगों को कुछ छोटी बहुत सफलताएं मिली. मैं उसको सफलता तब मानता जब और भी दलित संस्थाएं और दलित संगठन के लोग और दलित पार्टियां गुजरात में और गुजरात के बाहर लैंड स्ट्रगल्स इनिशिएट करते हैं, राइट. तो गाय की पूछ आप रखो, हमें हमारी ज़मीन दो, ये नारा से वी कुड कैप्चर पीपल्स इमेजिनेशन. इट क्रिएटेड सम वाइब्स, लोगों को मज़ा भी आया, लोगों की जबान पर भी वो घूमता रहा, लेकिन एक्चुअल लैंड स्ट्रगल्स इनिशिएट नहीं हुए. निश्चित रूप से द स्लोगन हैड अ टेस्ट एंड पीपल रिमेंबर्ड इट फॉर लॉन्ग आफ्टर इट, एंड दैट इज ऑल्सो वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट. पर ज़मीनी तौर पे 5 एकड़ ज़मीन हर दलित को, ये नारा शुरू हुआ था ऊना लिंचिंग्स के बाद. इसमें दो मुद्दे हैं जिग्नेश. सबसे पहला ये कि जिनके फैमिलीज़ के लोगों जिनके फैमिलीज से लोगों को लिंच किया गया था, उन्होंने आपके आंदोलन का साथ क्यों छोड़ा, पहला मुद्दा ये. और दूसरा कि बात लिंचिंग से शुरू हुई और बहुत ही प्रोट्रैक्टेड तरीके से लैंड के बारे में बात की गई, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी पूर्ति या इसको आप नतीजे तक, अंजाम तक पहुंचा पाएंगे इन दिस नेक्स्ट 2.0 स्ट्रगल दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो. दो सवाल हैं. सबसे पहली बात तो ऊना के जो विक्टिम्स हैं उन्होंने साथ छोड़ दिया ऐसा नहीं है, वो BSP के साथ है, वो पब्लिकली कहते हैं, उससे मेरा डिस्टेंस है. तो केवल विक्टिम के तौर पे वो साथ आते हैं तो ऑलवेज वी आर विद देम. इनफैक्ट मेरे ही कहने पर उनकी एक लीगल मैटर मेरे एडवोकेट आर्ग्यू कर रहे हैं, तो और हमेशा मैं उनके संघर्ष में साथ जुड़ा रहूँगा. लेकिन कोई उनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो प्री कंडीशन बनता है मेरा जुड़ने के लिए, देन आई एम नॉट फॉर दैट. लेकिन मैं आज भी उनके साथ हूँ, हमेशा उनके साथ रहूँगा. दूसरी बात ज़मीन का जो सवाल है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही मुश्किल टास्क है. आने वाले नेक्स्ट 2-4 महीने में, आने वाले नेक्स्ट आज़ादी कूच में ही नहीं बल्कि पूरा जीवन इसमें देना पड़ेगा, तब जाके उसमें कुछ सफलता मिलेगी. क्योंकि पूरा स्ट्रक्चरल चेंज के साथ जुड़ा हुआ सवाल है. अपर कास्ट का पूरा जो डोमिनेंस है गाँव में, वो जमीनों की मालिकी के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है. तो उसको डिसमेंटल किया तो पूरा स्ट्रक्चर टूट जाएगा. लेकिन आपने अभी इलेक्टोरल थोड़ा सा हिंट किया था कि जो ऊना विक्टिम्स थे, उनके फैमिलीज थे, वो मायावती के साथ हो गए हैं या BSP को अब सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए मूवमेंट से उनका वास्ता जो है थोड़ा सा वो बेरुख हो रहे हैं या थोड़ा सा टूट रहा है. मूवमेंट से उनका वास्ता बेरुख हो रहा है, टूट रहा है ऐसा नहीं है, उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन है. आप कॉज तो बिल्कुल उठा रहे हैं, लेकिन उनकी बेरुखी की एक वजह ये भी थी कि उनसे जिन्होंने जाके बात की है, उनको उन्होंने बोला है कि जिग्नेश मेवानी ऊना छोड़ के फिर दिल्ली और बॉम्बे चले गए, और ये लिंचिंग से बहुत अलग मुद्दा बन गया उनके लिए, फिर वो वापस नहीं आए, तो हमें उन्होंने अबैंडन कर दिया. आई डोंट थिंक उन्होंने कहीं पर ऐसा कहा है, लेकिन यदि किसी को ऐसा लगता भी है या कहीं पे कहा भी है, तो मेरी पोजीशन इसमें ऐसी है कि हम लोगों का ऊना का आंदोलन केवल ऊना के वो 4 विक्टिम्स के लिए नहीं है. ऊना का आंदोलन ऊना के लिए भी है, अलवर के लिए भी है, दादरी के लिए भी, जमशेदपुर के लिए, लातेहार के लिए भी,
जुनेद की भी रही है, वो जाति आधारित हिंसा के सारे मुद्दों के लेकर भी है, मोब लिंचिंग को लेकर भी है, वो जाति निर्मूलन को लेकर भी है, वो दलित मुक्ति के मार्ग को ढूंढने के लिए भी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ऊना की विक्टिम्स की बात तो हो ही, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स की भी बात हो, पूरी में सहारनपुर की भी बात हो, रोहित वेमुला की भी बात हो। तो मैं गुजरात में भी काम करूँगा, यूपी में भी जाऊँगा, बिहार में भी जाऊँगा, पूरे देश में जाकर घूमूंगा। लेकिन अब ऊना वाला मूवमेंट सिर्फ दलित मूवमेंट ही नहीं रहा, आज के प्रोग्राम के बाद ऐसा लग रहा था कि अब एक बहुत बहुत समय से एक, चलिए लेफ्ट यूनिटी तो नहीं बोलेंगे पर सोशल मूवमेंट्स की यूनिटी के बारे में बात चल रही थी और बहुत लोगों ने कोशिश भी की। आज जो उसका रूप दिखा वो निश्चित रूप से कॉन्क्रीट था। आज से जो आपका नेक्स्ट दौर शुरू होगा रैलीज का, इसका क्या विजन है? इज इट एक्सपेंडिंग फ्रॉम द मियर स्पेस ऑफ दलित पॉलिटिक्स टू अ लार्जर ऑपोजिशन पॉलिटिक्स? इज इट अ लार्जर सोशल मूवमेंट यूनिटी? हाउ डू यू सी दिस? सी, आज़ादी कुछ का पर्पस ही यही है। पिछली बार हम लोग अहमदाबाद से ऊना गए थे, तब दलित अस्मिता यात्रा थी, इस बार आज़ादी कुछ है। तो हम लोगों का एक क्लियर इंटेंशन है कि इसका दलित पहलू, दलित डायमेंशन इंटेक्ट रहे, दलितों के सवालों को लेकर जमकर बात करें, लेकिन केवल दलित इश्यू की ही बात ना हो, जीएसटी की भी बात हो, सूरत में जिस तरह से व्यापारी को पीटा गया उनकी भी बात हो, मध्य प्रदेश में जिस तरह से किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई गई उसकी भी बात हो, मॉब लिंचिंग के जो लोग शिकार बन रहे उनकी भी बात हो, दलित मुक्ति का मार्ग, सारे सवालों को उठाए बिना शक्य संभव ही नहीं है। और दूसरे सारे सवाल उठाने वाले लोग दलित इश्यू से सरोकार ना रखे तो कोई क्रांति भी नहीं होने वाली। तो ये दो तरह, वो एक तरह से इंटरकनेक्टेड चीज़ है। तो हर तरह के सवाल हम लोग उठाना चाहते ताकि एक लार्जर यूनिटी इस संघ और बीजेपी के खिलाफ बने, जो संविधान को डिस्टॉर्ट कर देना चाहते हैं, जो संविधान में से सेक्युलर शब्द निकाल कर हिंदू राष्ट्र से रिप्लेस करना चाहते हैं, उसे सोशलिज्म के बजाय कॉरपोरेट डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो हम लोगों के एक अटेम्प्ट है कि सारी वो शक्तियाँ, सारे वो लोग जो संघ और बीजेपी के सामने मोर्चा खोलने को तैयार है, उसका एक ब्रॉड डेमोक्रेटिक फ्रंट बने, जिसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ने से संबंध ना हो लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंटरवीन जरूर करें। दो चीज़ें हैं, पहला तो ये कि इमीडिएट एम क्या है, बीजेपी को गुजरात इलेक्शंस में डिफीट करना या लार्जर एक जो आप काउंटर नैरेटिव की बात कर रहे हैं, जो यूनिटी की बात कर रहे हैं, उसको और तगड़ा करना और एक सोशल फैब्रिक को अफेक्ट करना? नहीं, मैं कोई चुनावी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के संदर्भ में कुछ कोलिशन कर रहे हैं और फिर उसके चलते चुनाव लड़ेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए कुछ कोई आंदोलन खड़ा होता है और उसमें पटेल मुझे इनवाइट करते हैं तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा मेरी बात रखने। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग आज़ादी कुछ कर रहे हैं तो पटेल समुदाय के लोगों को भी कहूँगा कि भाई आपके लिए भी इसमें लिए स्वागत है। हम दोनों साथ में मिलकर क्या कह सकते हैं कि मोदी जी ने पिछले चुनाव विधानसभा के चुनाव के दौरान कहा था कि 50 लाख आवास बना के देंगे, उसका क्या हुआ? ये मैं अकेला क्यों पूछूं? ये हार्दिक पटेल अकेला ये सवाल क्यों पूछे? दोनों की कास्ट है, मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूँ, वो पटेल समाज से बिलोंग करता है। उस कास्ट से बियॉन्ड जाकर व्यापक 6 करोड़ जनता के हित में क्या हम लोग साथ में मिलकर पूछ सकते हैं कि वो 50 लाख मकान का क्या हुआ? तो उतने के लिए तो यूनिटी बननी चाहिए ना। फिर उस प्रोसेस पे यदि ऐसा कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इमर्ज होता है या उतनी शक्ति बनती है कि बीजेपी को डिफीट कर पाए तो और भी बेटर। तो उसके लिए आप ओपन हैं? ओपन हूँ, मैं उसके लिए ओपन हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये है कि चलिए ऑल एनकम्पसिंग एक नैरेटिव में पटेल भी शामिल हो गए और कन्हैया भी आ गए और तमाम लोग आ गए जिनका आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं इस मूवमेंट के थ्रू, लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन ऑलरेडी दलित मूवमेंट में अभी एग्जिस्ट कर रहा है उसको कैसे आप इस प्लेकेट करेंगे आप? सबसे पहले तो ये, दूसरा ये कि आज भी स्टेज पर जैसे नॉट मेनी वुमेन दलित रिप्रेजेंटेटिव्स वर देयर, सो हाउ विल यू एनकम्पस दैट? सो दोज आर आल्सो यू नो इमर्जिंग चैलेंजेस विद इन द दलित मूवमेंट। डेफिनेटली ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग भी पिछले एक साल से लगातार ये एफर्ट कर रहे हैं कि बहनें भी बहुत मतलब लीडरशिप की पोजिशन में आए, लेकिन वो एक तरह से वो तलाश जारी भी है। हालांकि हम लोगों की टीम में जो सरोडा गांव का लैंड स्ट्रगल हम लोगों ने किया उसमें से दो बहनें आज हमारे स्टेज पे भी थी, नैना बहन और लक्ष्मी बहन। लेकिन मैं एडमिट करूंगा जनरली कि उस मामले में ये हमारी वीकनेस है दलित मूवमेंट की इन जनरल और हम लोगों की इन पर्टिकुलर। तो इस वीकनेस को हम लोगों को ओवरकम करना है और उम्मीद ही कर सकते हैं अभी तो कि आने वाले दिनों में और भी
बहनें लीडरशिप की पोजीशन में और भी दलित आंदोलन में और हमारी टीम में हमारे संगठन में जुड़े। जब आप कहती है फ्रेगमेंटेड दलित मूवमेंट, तो मेरा मतलब ये है कि अलग अलग जो दलितों में धारा है राइट, वो जो फ्रेगमेंटेशन है उसको किस तरह से रिजोल्व किया जाए। हाँ, राइट, तो उसको रिजोल्व करने के लिए मुझे ऐसा एक ही मुझे तो लगता रास्ता है कि मटेरियल इश्यूज की बात की जाए। केवल दलित फ्रेगमेंटेड दलित मूवमेंट को साथ लाने के लिए नहीं, सारी मूवमेंट्स को साथ लाने के लिए, बिकॉज द ओनली थिंग दैट कास्ट नोज इज टू डिवाइड एंड व्हाट कैन यूनाइट इज क्लास। इकोनॉमिक सवाल के ऊपर यूनिटी बने तो दलित यानी सारी मूवमेंट्स एक मंच पर आ सकती है। एक सवाल और उठता है जिग्नेश, एक सहारनपुर से भी एक तरह का दलित मूवमेंट भीम आर्मी के रूप में और चंद्रशेखर की लीडरशिप में उभरा पिछले कुछ दिनों में, लेकिन उसका जो मुख्य जो वॉइस था उसका वो अग्रेसिव था ज़्यादा और थोड़ा सा मतलब एक तरह से मिलिटेंट भी था। तो वायलेंस का आज़ादी कूच में कितना, पिछले बार ऊना भी जब किया तो भी आपने बोला भी था कि हम अग्रेशन को पूरी तरीके से नहीं नकार रहे हैं, वायलेंस को पूरी तरीके से नहीं नकार रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी कर सकते हैं। तो आज़ादी कूच में वायलेंस का क्या स्कोप है आपके हिसाब से, और सहारनपुर वाला मूवमेंट जो है भीम आर्मी जैसा मूवमेंट आज़ादी कूच से किस पॉइंट पर आके मिलता है या मिलता भी है कि नहीं? बहुत ही फेयरली और ऑब्जेक्टिवली देखें तो भीम आर्मी के लोगों ने कहाँ पर और क्या वायलेंस किया? मैं नहीं मानता उन्होंने वायलेंस किया। मैं वायलेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनके अप्रोच और स्टाइल की बात कर रही हूँ। तो अप्रोच और स्टाइल में मैं ब्रेवेडो डिस्प्ले करूँ तो उससे जनता को एग्रेसिव में दिख सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं एक्चुअली हिंसा ना करूँ तब तक कोई ऐसा कैसे मुझे कह पाएगा कि आप हिंसक हो। जब तक मैं किसी को चांटा भी ना मारूँ तब तक, और बात करूँ मतलब ब्रेवेडो डिस्प्ले करूँ, उसके आधार पे आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं हिंसा में मानता हूँ या हिंसा करूंगा। जिग्नेश, आपने खुद भी बोला है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सकता है, इसके ऊपर भी मैं थ्योरेटिकली पूछ रही हूँ, व्हाट इज द काइंड ऑफ ओपननेस यू हैव राइट नाउ टू दिस काइंड ऑफ अ फिलॉसफी? आज भी मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने जीवन में कभी किसी को चांटा भी नहीं मारा, लेकिन मैं आइडियोलॉजिकली ऐसा मानता हूँ और साफ तौर पर मानता हूँ कि सवर्ण समुदाय इन जनरल नहीं, लेकिन जो कास्टिस्ट एलिमेंट्स दलितों को फिजिकली मारते हैं उनको दलितों को शॉक ट्रीटमेंट देना चाहिए। दलितों को उनको शॉक ट्रीटमेंट देना चाहिए। रैलियां निकाली, धरने दिए, कोर्ट में गए, पिटिशंस दाखिल की, सारे चीजें दलित अब कर चुके हैं, अब ये प्रयोग करना बाकी। राजधानी एक्सपेरिमेंट ट्रेन को रोकना भी एक शॉक ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट था। हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स आउट ऑफ बॉक्स सोच के भी दलित मूवमेंट में करते रहना चाहिए, लेकिन ये हिंसा वाले पार्ट के ऊपर मैं दोहराऊंगा दोबारा कि मैं सचमुच मानता हूँ दलित गांव में एक बहुत माइनॉरिटी में रहते हैं। कोई गांव में 3 घर है, किसी गांव में 15 है, किसी में 19 है, कहीं पे 12 है, 6। सवर्ण समुदाय एक हो जाता है तो प्रैक्टिकली बहुत जगह पे ये मुमकिन नहीं, जहाँ पर भी मुमकिन हो और जहाँ पर कास्टिस्ट एलिमेंट्स दलितों को फिजिकली मारे वहाँ दलितों को उस एलिमेंट्स को उस भाषा में जवाब देना चाहिए। आखिरी सवाल जिग्नेश मेवानी के लिए, आने वाले गुजरात इलेक्शन में आज़ादी कूच या आपका मूवमेंट क्या रोल प्ले करेगा? हम लोगों का एक क्लियर एजेंडा है, सबसे पहले तो जमीन की डिमांड जो पिछले एक साल से हम लोग उठा रहे, उसमें और भी छोटी मोटी कुछ अचीवमेंट्स मिले और भी दलित मूवमेंट को थोड़ा एक मतलब कंसोलिडेट किया जाए, दलित मूवमेंट के साथ साथ दूसरे समुदाय के लोगों को भी साथ में जुड़ा जाए, गुजरात मॉडल को एक्सपोज किया जाए और जितने भी लोग बीजेपी के सामने वोट कर सकते हैं एक्स या वाई की फेवर में नहीं, बीजेपी के अगेंस्ट जितने भी लोग वोट कर सकते हैं उसके लिए जो माहौल बनाना पड़े वो माहौल बनाने का हम एक एफर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच जिग्नेश, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच।